Hello everyone, in today's 11th Commerce Economics lecture, today we are going to start with chapter number 5. Let us move on towards the textbook. Name of the chapter is Rural Development in India. Rural Development, what do you mean by word rural? जिसे हम कहते हैं गांव, है कि नहीं? तो Rural Development in India ये बहुत ही important सिग्निफिकेंट मैटर है, बिकॉज कहा जाता है इंडिया लिव्स इन विलेजेस, इंडिया लिव्स इन विलेजेस. ऐसा क्यों? आप देखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 60-70% जो पॉपुलेशन है ना, अप्रॉक्सीमेट हम देखेंगे तो 68% का जो पॉपुलेशन है वो रूरल इंडिया में रहता है. बाकी हम और आप जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, कई बार उनके दुख तकलीफ को समझ ही नहीं पाते. हम ही सारी फैसिलिटीज, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड डेवलपमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, इजी लाइफस्टाइल हो, ये सब हमको मिलता रहता है, तो हमें कभी रूरल इंडिया की चिंता ही नहीं होती है. बट जब आप अपनी नेटिव प्लेस को विजिट करते हो, है ना, समर वेकेशन में या जो दिवाली वेकेशन आता है, जब आप रूरल इंडिया को विजिट करते हो, अपने नेटिव प्लेस पे जाते हो, तो आपको कई बार वहां पर पता चलता है कि कितनी स्कैर्सिटी है वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पर हैं. और अगर 60-70% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहता है तो ये प्रॉब्लम 70% पॉपुलेशन को है, तो मतलब ये पूरा नेशन का प्रॉब्लम हो गया. तो रूरल प्लेसेस जो हैं, या नेटिव प्लेसेस जिसको आप बोल सकते हैं विलेजेस, उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है. डेवलपमेंट इन द सेंस, वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अवेलेबल होना चाहिए, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी फैसिलिटी तो वहां पर होनी चाहिए, तो बेसिक है. तो जब आप ये फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड करते हो, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हो, तो वहां पर जो पॉवर्टी है वो कम होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, लोग धीरे धीरे लिटरेट होना स्टार्ट करते हैं और वहां का एनवायरमेंट डेवलप होता है. तो हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा. तो क्या प्रॉब्लम्स है रूरल इंडिया की, और सरकार, गवर्नमेंट इसके पीछे क्या कदम उठा रही है, क्या मेजर्स लिए गए हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज देखने वाले. सो कम टू पेज नंबर 31. पेज नंबर 31, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को क्या बता दिया गया, एक रूरल इकोनॉमी बताया गया, मतलब इसका डोमिनेंस है, प्रभुत्व है. जैसा कि हमने बताया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल इंडिया. इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्राइवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट. तो सिर्फ आप कुछ सिटीज को डेवलप कर देंगे तो इंडिया डेवलप नहीं होने वाला है, आपको रूरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो. इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस. ये सही बात है कि इंडिया कहाँ रहता है, विलेजेस में रहता है. द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ द ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट का एक पार्ट क्या है, रूरल डेवलपमेंट. सो देयर इज नो डेवलपमेंट विदाउट रूरल डेवलपमेंट. द टर्म रूरल डेवलपमेंट कैन नॉट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विद अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्या बताए, कैन नॉट, सॉरी, कोनोट्स, ठीक है, द टर्म रूरल डेवलपमेंट कोनोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विद अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. मतलब यहां पर जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. ये इंडिकेट करता है इसके अंदर कि जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट करो जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों का बढ़े, लोग पॉवर्टी से बाहर आए, इलेक्ट्रिसिटी से बाहर आए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मिले, वाटर फैसिलिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिले, तब जाकर के उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा और हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. अकॉर्डिंग टू 2011 census, तो 2011 आज से बात करते हैं 9-10 साल पहले की, द
तब जो सर्वे किया गया था, द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25 crores. देखो टोटल पॉपुलेशन हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जब भी अनाउंस करते हैं तो 130 करोड़ पॉपुलेशन बताते हैं. कितना? 130 करोड़. 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से 83 करोड़ की पॉपुलेशन अभी भी कहां रहती है? रूरल एरियाज में रहती है, विलेजेस में रहती है, जो कितना हो जाता है? 68.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अप्रोक्सीमेट 70%, वी कैन से अप्रोक्सीमेट 70% पॉपुलेशन तो कहां रहती है? रूरल इंडिया में रहती है. ठीक है, तो देखो अगर आप रूरल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आपका 70% पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? नीचे ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं. देयर हैज बीन अ वाइड कंसेंसस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिविएट द पॉवर्टी. अगर हमें गरीबी को दूर भगाना है तो ये हमारे कंसेंसस में है, ये हमारे माइंड में है कि रूरल डेवलपमेंट जरूरी है, इसको इंक्लूड करना चाहिए. बिना रूरल डेवलपमेंट को इंक्लूड किए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, पॉवर्टी से निजात नहीं मिलेगा. तो आपको इलेक्ट्रिसिटी फिनिश करनी है, पॉवर्टी फिनिश करनी है, तो आपको रूरल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा. इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी. Rural development, the concept of rural development was born in the context of agriculture and it remained for a long time with agricultural development in India. तो क्या बता दिया यहाँ पर? इसका जो main context था वो start हुआ कि agricultural development होगा ना तो automatically क्या होगा? Rural development होगा. क्यों? क्योंकि rural population ज्यादातर कहाँ काम करती है? Agriculture sector में. और यहां पर गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि हमको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है तो ऑटोमेटिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, लोग फ्लरिश होंगे और धीरे धीरे फैसिलिटीज वहां पर आएंगी. तो इसको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से जोड़कर देखा गया, जिसके अंदर क्या आ गया? पॉइंट ए देखो क्या लिखा है. एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग सीड्स, अच्छे सीड प्रोवाइड करना, क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग. ठीक है, बी पार्ट में क्या आ जाता है? विलेज इंडस्ट्रीज, जो विलेज एरिया में इंडस्ट्रीज होती है उसको क्या करना? मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मार्केटिंग प्रोवाइड करना. ठीक है, इसके बाद सी पॉइंट आ जाता है एजुकेशन. एजुकेशन में आपको टेक्निकल एजुकेशन जो वहां मिलना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए और एग्रीकल्चरल एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा बताया यहाँ पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं. और डी पार्ट में आता है सर्विसेस, तो हेल्थ सर्विस होनी चाहिए, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज होनी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए. ये चारों चीज जब होगी तब जाकर हम उसको बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट. क्या बोलेंगे? रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये एक समरी है आपके लिए. वर्ल्ड बैंक देखो डिफाइन करता है, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ. इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, है ना, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों को क्या करना है? हमको इंप्रूव करना है. ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक ग्रुप क्यों बोला? वी आर फोकसिंग ऑन रूरल पीपल, जो गांव में रहते हैं. जो शहर में रहते हैं उनका डेवलपमेंट तो हो रहा है, उनको फैसिलिटी तो मिल रही है, तो हमारा फोकस वहां पर नहीं है. हमारा फोकस कहां पर है? वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल पीपल, the rural poor. ठीक है, तो rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group of people, the rural poor. Rural development involves extending the benefits of development to the poorest among those who seek livelihood in the rural areas. तो ऐसे गरीब लोग जो वो rural area में ही अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, जो लोग अभी तक माइग्रेट नहीं हुए हैं, है ना, अभी गांव में कुछ लोग क्या हो जाते हैं? सिटीज की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं. तो जो माइग्रेट हो रहे हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जो माइग्रेट नहीं हुए, जो गांव को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट अगर लाना है तो इनको जॉब प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनको रोजी रोटी का बंदोबस्त करा के देना पड़ेगा. The group includes small scale farmers, tenants and landless, जो हम बोल सकते हैं laborers वगैरह या farmers. ठीक है ना, तो इस group के अंदर कौन आ जाता है? जो छोटे मोटे farmers हैं, जो छोटी खेती करते हैं,
फिर जो टेनेंट्स है मतलब जो रेंट पे लेकर के भाड़े पर लेकर के जमीन क्या करते हैं, काम करते हैं, और जो जमीन जिनके पास नहीं है, बिना जमीन के जो लोग हैं, जो लोग दूसरे के यहाँ पर मजदूरी करके काम करते हैं, है ना, ऐसे लोगों का डेवलपमेंट होना जरूरी है। और ऐसे लोगों का डेवलपमेंट होगा तब हम इसे कहेंगे रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है दैट यू हैव टू राइट 5 times, इसे बाय हार्ट करना है आपको। रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल, तो वहां पर क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम होता है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम होता है, और तीसरा सर्विस सेक्टर। हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। प्राइमरी मतलब ज्यादातर क्या आ गया उसमें, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड वन क्या है, टर्शरी सेक्टर, जिसमें सर्विस सेक्टर आ गया, है ना, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई सर्विस सेक्टर। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। एग्रीकल्चरल सेक्टर, विच सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर। The rural population in India is classified into agricultural sector, which has been subdivided as agricultural and allied activities. Agricultural और उससे जो जुड़े हुए काम है, जैसे animal husbandry. Yes or no? जो लोग agricultural करते हैं, agriculture करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, जे लोग खेती करतात, शेती करतात, तो त्यांचा जवळ काय असतं, त्यांचा जवळ काही जनावर पण असतात, है ना, कुछ जानवरों को रखते हैं वो, और वो जानवर कैसे हैं, जो उनके रोजमर्रा के काम आते हैं। एग्जाम्पल, आपको बुलक काट चाहिए या बुल चाहिए, जो लोग ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ खेती करते हैं, शेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उनको क्या करना है, प्लाइंग करना है ना, खेत जोतना होता है, तो उनको बुल चाहिए होता है। फिर जो खेत से उनको उपज मिलती है, कई बार जो चारा वगैरह होता है, तो उससे वो क्या करते हैं, उसका यूज गाय को खिलाते हैं, और गाय को खिला करके उससे क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, है कि नहीं। तो उनका ये इंटरडिपेंडेंस चलता है, तो जिनके पास फार्मिंग होता है उनके पास एनिमल जरूर रहता है कि नहीं। तो ऐसे ही कुक्कुट पालन आपने सुना होगा, मतलब मुर्गियां पालते हैं, इसको बोलते हैं कुक्कुट पालन। और उसके बाद में सेरिकल्चर है, वर्मी कल्चर है, हॉर्टिकल्चर है ना, ये सारी चीजें क्या है, अलाइड एक्टिविटी, मतलब खेती या शेती, शेती से जुड़े हुए बाकी के जो काम होते हैं उसे बोलते हैं हम अलाइड एक्टिविटी। एग्रीकल्चर consist of small, marginal and large farmers. तो agriculture में तीन type के farmer हमको मिलते हैं। एक तो जो बहुत small, जिनका मतलब जो area है, जो जमीन है, बहुत छोटी है, छोटी खेती करते हैं। दूसरे marginal, तो उनका थोड़ा middle level पे होता है। और जो large, मतलब acres of जो जमीन होती है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ये तीन category में उनको categorize किया गया है। अलाइड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ, देखो, प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, देन डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर, है कि नहीं। तो ट्री प्लांटेशन आ गया, देन फॉरेस्ट्री मतलब आप जंगल के जंगल वहां पर क्रिएट कर रहे हैं और उससे जो लकड़ी वगैरह बेच करके या मेडिसिन प्लांट जो होते हैं वो उगा रहे हैं। फिशरीज मतलब आप जो फिश होता है उसका आप बिजनेस करें, आपने पॉन्ड बनाया हुआ है, वहां पर आप मछली पालन करते हैं, और मछली पालन करके 2-3 महीने के बाद उस मछलियों को क्या करते हैं, आप सेल करते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट, जो मिल्क या मिल्क से जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको सेल करना। फिर जो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है ना, जो बागवान होता है, बगीचे वगैरह होते हैं, उसको संभालना, बराबर। फिर आता है पार्ट बी में इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। Industrial sector is defined as an economic activity concerned with the processing of raw material. क्या बता दिया यहाँ पर? Industrial sector is defined as an economic activity concerned with the processing of raw material. ये जो raw material हमको मिल रहा है, उसका processing करके finish goods बनाना है. For example, हमको क्या मिला? Wheat. Wheat से हमने क्या बना दिया? Bread. तो ये कहाँ पर होगा? ये industry में होगा, है ना? And manufacture of the goods in factories. Factories में goods को manufacture किया जाता है. This sector has been classified into the small scale cottage and rural industries. तो जो छोटे छोटे small scale businesses हैं, जो हमने अभी chapter number 2 में देखा था, तो जो small scale industries हैं, उसका development इसका part बन जाता है। तो जहां पर हम लोग small business, जिसको बोला जाता है लघु उद्योग,
कुटीर उद्योग है ना, कुटीर, कुटीर का मतलब हो जाता है यहाँ पर कॉटेज, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब बहुत छोटे लेवल पे काम होता है, ठीक है। एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज जो गांव में ही आपको मिलेंगे, तो उसके डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। थर्ड वन, सर्विस सेक्टर, विच सेक्टर, सर्विस सेक्टर, द सर्विस सेक्टर टर्म्ड एज टर्शरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर। तो किसको सर्विस देता है ये, बाकी बिजनेसेस को सर्विस देता है, मैंने जैसे आपको बताया बैंकिंग, तो दूसरे जो बिजनेसमैन है उनको बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, जैसे हम लोग को मोबाइल फोन्स में बात करनी है तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी आज कौन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे वोडाफोन है, अभी तो वोडाफोन और आइडिया मिलकर वी हो गए, और उसके बाद रिलायंस जियो है, एयरटेल है, ठीक है ना, तो ये सारे लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है ये बिजनेस पर्सन को प्रोवाइड करना और जो फाइनल कंज्यूमर है उनको प्रोवाइड करना। तो मैंने बताया बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सच एज अकाउंटिंग सर्विसेज, देन ट्रेड्समैनशिप लाइक मैकेनिक और प्लम्बर सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विस, रेस्टोरेंट, टूरिज्म एटसेट्रा। द सर्विस सेक्टर हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेडर्स, दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। तो ये सारे लोग किसमें आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं, गेटिंग इट। तो यहां पर हमने देखिए क्या फिनिश किया, यहां पर हमने फिनिश किया रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल, जनरली रूरल ऑक्यूपेशन ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज लॉन्च किए ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके, एज वेल एज एट द नॉन गवर्नमेंट लेवल, और बहुत जगह एनजीओ चलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी इसके अंदर हेल्प करते हैं। अप्रिशिएट स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो यहां पर क्या बताया गया है, अप्रिशिएट स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट विल लीड टू, मतलब जितना हम रूरल डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करेंगे उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया, अगर आप रूरल डेवलपमेंट करते हो तो उससे फायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, सो पब्लिक हेल्थ इन एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई की जो आप हम बात करते हैं, स्वच्छता होना चाहिए, है ना, क्लीन होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है सैनिटेशन। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, सैनिटेशन एंड हाइजीन मतलब आप साफ सफाई तो रख रहे हैं लेकिन स्वच्छता भी है, मतलब फ्री फ्रॉम जर्म्स, हाइजीन का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम जर्म्स। आपने देखा होगा कई लोग एकदम मतलब एकदम गरीबी परिस्थिति में रह रहे हैं और ऐसे झोपड़पट्टी वाले इलाके में रहते हैं जहां पर आपको क्लीनलीनेस नहीं दिखता, गंदगी ही गंदगी दिखती है, बट वो वहां पर रह रहे हैं तो वहां पर ना सैनिटेशन है ना हाइजीन है कि नहीं। तो हमको वहां पर क्या प्रोवाइड करना है, रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी वहां पर जा रहा है, कई बार रूरल एरियाज में जो पानी मिलता है जमीन के नीचे से निकाला जाता है, आपने देखा होगा हैंडपंप, जिसको हमारे नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है चापाकल, हैंडपंप जो होता है पंप करके पानी आप बाहर निकालते हैं जमीन से, तो कई बार वहां पर आपको वहां के पानी में बहुत सारी मिलावट देखने को मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, कई बार वहां पर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, तो जिसके वजह से लोगों को वेरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो पानी ऐसा प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो उनके हेल्थ के लिए सेफ हो, एंड अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी, साथ ही साथ कम पैसे में एक अफोर्डेबल, जो अफोर्ड कर सकें ऐसी हेल्थ फैसिलिटी उनको मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, दिस वुड लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, और इसकी वजह से क्या होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी। नाउ पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन क्या देखा हमने, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पॉइंट नंबर टू लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज, कौन सा रेट, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता का क्या गणना है वहां पर, क्या कैलकुलेशन है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं,
एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो होना चाहिए, अप टू 8 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड तक तो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट पीपल कैन रीड एंड राइट, पढ़ सके लिख सके इतना तो होना चाहिए. तो लिटरेसी क्या है? लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस. अगर आपको सामाजिक और आर्थिक बदलाव करने हैं तो लोगों को साक्षर करना बहुत जरूरी है, एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है. पढ़े लिखे लोग ज्यादा बदलाव ला सकते हैं, अच्छा बदलाव ला सकते हैं. तो जो विलेजेस हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर भी हमें क्या करना है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है. हाउएवर देयर इज अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट. आप देखें तो रूरल लिटरेसी और अर्बन लिटरेसी में काफी फर्क है. अभी आप लोग सिटी एरिया में रह रहे हैं, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटी मिल रहा है. यहाँ पर 95% जो बच्चे हैं सब पढ़ने जाते हैं, एटलीस्ट उनका 10th स्टैंडर्ड तो कंप्लीट होता है. बट रूरल एरिया में छोटे छोटे बच्चों को पानी भरने जाना होता है ना, फिर जो उन्होंने पशुपालन किया हुआ है, जो भी एनिमल हस्बेंडरी वो कर रहे हैं, उनको चारा खिलाने उनको बाहर लेकर जाना पड़ता है, घर के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. और ऐसे केस में अगर कहीं पर एजुकेशन फैसिलिटी मिल भी रही है तो बच्चे वहां तक पहुंच पाते नहीं है, तो बहुत गैप हो जाता है. अगर आप देखें कि सिटी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और विलेजेस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इन दोनों के रेट में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है. रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप. और रूरल डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो ये जो गैप है इस पे एक ब्रिज आएगा, मतलब दोनों बैलेंस होने लगेंगे, वहां पर भी लोग साक्षर होने लगेंगे फॉर एजुकेशनल फैसिलिटी एट ऑल लेवल्स. ठीक है, पॉइंट नंबर 3, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. मुझे बताइए पॉइंट नंबर 1 क्या था, वॉट वॉज पॉइंट नंबर 1? सो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. और उसमें पहला पॉइंट था पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे का भी हमें याद रखना है. नंबर 2 क्या है, लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया. ठीक है ना, तो जब जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो ना, पढ़ने के समय आपका आप सपोज आप अपनी आईज क्लोज कर रहे हो और पहला पॉइंट आ रहा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, है कि नहीं, तो आपके दिमाग के अंदर कुछ हॉस्पिटल जैसा दिखाई देना है, साफ सफाई दिखाई देनी चाहिए, है ना. तो हमको ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा, बाय हार्ट होगा. जब हम देख रहे हैं लिटरेसी रेट, हमारे दिमाग में स्कूल दिखना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा दिखना चाहिए, है ना, कोई टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो सिग्निफिकेंस को और ऐसे आप बाय हार्ट कर सकते हो. नंबर 3 वॉज एम्पावरमेंट ऑफ वुमन. वुमन एम्पावरमेंट हम कई बार पढ़ते हैं ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली. कई बार आपने देखा होगा किसी ट्रक के पीछे या रिक्शा के पीछे ऐसा लिखा होता है, मुलगी शिकली प्रगति झाली. क्यों ऐसा, ऐसा क्यों नहीं लिखा होता मुलगा शिकला प्रगति झाली, ऐसा क्यों नहीं लिखा होता? तो ये जो स्लोगन है मुलगी शिकली प्रगति झाली, इसके पीछे का रीजन ऐसा है, आप देखिए अपने घर में भी आप देखिए या जहां कहीं पे भी आपने देखा होगा, अगर एक लड़का बॉय अगर एजुकेटेड हो जाता है तो उसका काम क्या रहता है, वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए निकल जाता है और जो फैमिली को संभालने का काम होता है वो किसका होता है, गर्ल्स का होता है. आजकल तो गर्ल्स भी क्या कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं. बट जॉब पे जाने के बाद भी, ये बात इंपॉर्टेंट है, हाँ, जॉब पे जाने के बाद भी जब आप समझिए जो मेल पर्सन है ना, जैसे डैडी और मॉम दोनों घर पे आए, दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों घर पे आए, बच्चे को कौन पढ़ाता है, जो घर में बच्चा है उसको कौन पढ़ाता है? सो 90% ऑफ द आंसर्स वर मॉम दीदी, है कि नहीं. आप देखते हैं कि जो फीमेल पर्सन है फैमिली में, है कि नहीं, 90% वो क्या करते हैं, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम वही करते हैं. इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की अगर सीख जाती है तो पूरी फैमिली सीख जाती है. इसके लिए वो स्लोगन दिया गया, मुलगी शिकली प्रगति झाली. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है. अगर आप लड़कियों को शिक्षित करते हैं तो साक्षरता रेट है ना बहुत तेजी से बढ़ेगा.
मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि लड़कों को शिक्षित करते हैं तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है, बट जो लिटरेसी रेट है फैमिली के अंदर जो एजुकेशन जाना चाहिए है ना, वो गर्ल्स के माध्यम से ज्यादा जाता है. हेंस दिस स्लोगन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये हमको समझ में आया कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो ग्रोथ जल्दी मिलता है. हेंस पॉइंट नंबर थ्री, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी. ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने का काम कब होगा, जब आप रूरल डेवलपमेंट करोगे. मीट द डाइवर्स नीड ऑफ रूरल वुमेन. डाइवर्स नीड मतलब वेरियस नीड्स की बात करें, जो रूरल वुमेन की बहुत सारी नीड्स होती हैं वो कब सेटिस्फाई हो सकती हैं, जब रूरल डेवलपमेंट होगा तब. एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. और धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको सहभागी होने का मौका देते हैं. आप देखिए आज की तारीख में बहुत जगह पर ग्राम पंचायत की जो मुखिया होते हैं ना, पंचायत की मुखिया, वो किसको बनाया जाता है, वुमेन को बनाया जाता है, है कि नहीं, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी लेवल पे बढ़े, एक सामाजिक लेवल पे बढ़े, उनका एक्सेप्टेंस हो, लोगों को पता चले कि दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी सर्विस लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. नंबर फोर, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. रूरल डेवलपमेंट आपको करना है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, कानून. अगर कानून ना हो तो लोग अपनी मनमानी करते हैं. आपको कई बार न्यूज सुनाई देता है कि गांव में लोग एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, और कई बार तो लोग वहां के कानून नहीं मानते हैं. लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे गांव का पंचायत जो डिसाइड करेगा वही बात होगी. अगर पंचायत एजुकेटेड है अच्छी बात है, बट कई बार वो लोग क्या कर लेते हैं, अननेसेसरी कोई भी डिसीजन दे देते हैं, किसी के भी पक्ष में बात कर लेते हैं. तो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अगर प्रॉपर लॉ और ऑर्डर नहीं होगा तो रूरल डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना. तो कई बार हमको ऐसे न्यूज में सुनने को मिलता है कि चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर लॉ और ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है. तो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड दिस राइट ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. अगर प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होगा, अगर कानून का सबको सही तरीके से सहयोग मिलेगा है ना, तो रूरल डेवलपमेंट सबके काम आएगा. तो रूरल डेवलपमेंट होगा कब, जब आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर वहां पर रखोगे. तो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमको यहाँ पर मिलता है कि रूरल डेवलपमेंट होने से लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स. अभी हमने देखा पिछले 200 सालों में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को बहुत लूटा. इतना लूटा कि हम यहां पर दाने दाने को मोहताज हो गए. लोग गरीबी के कारण, कुपोषण के कारण मरने लगे. लेकिन पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे जो लैंड एरिया है वो कम होते गया. लोग गरीबी की वजह से अपने जो जमीन है वो जमींदार के हाथ बेच देते थे, और धीरे धीरे लोगों के हाथ से जमीन चली गई. सारे जमीन के मालिक कौन बनने लगे, जमींदार. ऐसे केस में अगर आपके पास जमीन है ही नहीं खुद की, तो आप मजदूरी करने के लिए मजबूर हो, है कि नहीं. सो यहां पर लैंड रिफॉर्म की जरूरत पड़ी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो जमींदारों ने ये सब सारी जमीन हथिया ली है, जो लैंडलेस लेबर है, ऐसे जो मजदूर है जिनके पास जमीन नहीं, उनको भी जमीन दिया जाए. तो लैंड रिफॉर्म की जरूरत यहां पर है. Rural development ensures effective implementation of land reforms such as ceiling on landholding. मतलब ceiling and land, आपका क्या landholding है उसका लिखा पड़ी आपने सुना होगा, 7/12 कराना है ना, आपकी कितनी जमीन है आप उसको register करा दीजिए. Regulations of rent कितना pay करना चाहिए, क्या contract होना चाहिए. Protection of tenancy right, आपका जो अधिकार है tenancy के ऊपर, मतलब आप किसी को भाड़ोत्री रखते हैं या land, आपका जो land है वो किसी को आप भाड़े पर दे देते हैं, तो उसका क्या अधिकार है. दीज लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटीज. इसकी वजह से क्या होगा, रूरल इनइक्वालिटीज कम होगा. अभी देखिए नया एक फार्म बिल
जो नरेंद्र मोदी सरकार है उन्होंने लाया, उसका कई जगह पर ऑब्जेक्शन भी हो रहा है, बट इसके अंदर भी टेनेंसी राइट के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है कि अभी जो कॉर्पोरेट लेवल पे फार्मिंग है उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो बिग बिग कंपनीज हैं वो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनका जो लैंड एरिया है उस पर कैसे फार्मिंग करेंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ में फार्मिंग होगा तो डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इसका बेनिफिट फार्मर्स को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स का होना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। जब आप रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स भी काउंट हो जाता है। पॉइंट नंबर सिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको देखना है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ये सारी जो फैसिलिटी है, और उसके साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन, ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। सो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटी सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी एंड इरिगेशन, ये बेसिक फैसिलिटीज तो वहां पर मिलनी चाहिए और रूरल डेवलपमेंट से ये मिलता है, बराबर है। पॉइंट नंबर सेवन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन मिलना। जो हमारे फार्मर्स हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, उनको क्या मिले? लोन मिले, ताकि वो छोटे छोटे व्यवसाय, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इसको स्टार्ट कर सके। रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ से लोन मिलेगा आपको। रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, दिस इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, क्रेडिट सब्सिडाइज, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम पे करना है, आपकी जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं? तो क्रेडिट फैसिलिटीज किसको मिल रहा है? फार्मर्स को मिल रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट में फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज भी अच्छे से मिलती है। नंबर एट, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का खात्मा। गरीबी हटानी है तो रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम। इसके वजह से क्या होता है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनका इनकम बढ़ता है। दिस हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और इसके वजह से आप पॉवर्टी को क्या कर सकते हो? निकाल फेंक सकते हो, कम कर सकते हो। तो यहां पर हमने देखा सिग्निफिकेंस, क्या देखा हमने? सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसमें पॉइंट नंबर वन क्या था? पॉइंट नंबर वन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। पॉइंट नंबर टू, रिपीट करेंगे मेरे साथ, लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया, लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। पॉइंट नंबर थ्री, वुमेन एम्पावरमेंट। पॉइंट नंबर थ्री, वुमेन एम्पावरमेंट। पॉइंट नंबर फोर, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पॉइंट नंबर फाइव, लैंड रिफॉर्म्स। पॉइंट नंबर फाइव, लैंड रिफॉर्म्स। पॉइंट नंबर सिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर सिक्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, लोन मिलना चाहिए फार्मर्स को, और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। आज रूरल डेवलपमेंट होगा तो जो गरीबी है वो धीरे धीरे जाती रहेगी, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस हमें याद रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब फार्मिंग के नाम पे, एग्रीकल्चर के नाम पे जो लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसकी स्थिति क्या है, लोगों को किस तरीके से लोन मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, उसका पेमेंट हमको कैसा करना पड़ता है, नहीं दे पाए तो क्या होता है, ये सब इसके अंदर हम रीड करेंगे। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीक्विजिशन फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। क्या बताया? इंपॉर्टेंट प्रीक्विजिशन फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है, सोर्स है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जो फार्मर है ऑलरेडी वो बहुत गरीब है, और गरीबी की वजह से उसके पास अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके
पास सपोज ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, कम पैसे होने की वजह से वो अच्छे सीड, अच्छे क्वालिटी के सीड परचेस नहीं कर पाता, फर्टिलाइजर परचेस नहीं कर पाता, इरिगेशन नहीं करवा पाता, और ऐसे में उसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, और कम प्रोडक्शन होगा तो उसको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो अगेन वो विशियस सर्कल चलता रहेगा, हमेशा वो गरीबी रहेगा, जो प्रोड्यूस करेगा उसके पैसे कम मिलेंगे, दिन ब दिन उसकी इनकम कम होती जाएगी, फैमिली बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है। ऐसे केस में कहीं ना कहीं उसको अगर अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी मिले, अच्छा लोन मिले, तो उन पैसों से वो क्या कर सकता है, अच्छे सीड परचेस कर सकता है, अच्छे बीज परचेस कर सकता है, अच्छी इरिगेशन करा सकता है, अच्छा प्लॉगिंग करा सकता है, और अच्छा प्रोडक्शन अगर उसका होगा तो उसको सेल करके वो अपना क्रेडिट जो लोन लिया है वो भी पे कर सकता है और अपनी इनकम को भी बढ़ा सकता है। इसकी वजह से वो धीरे 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 ये जो विशियस सर्कल है, ये जो जहरीला चक्र है पॉवर्टी का, उसको तोड़ करके वो बाहर आ सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिली तो आज की तारीख में देखिए, हम देखते हैं कि कितने सारे फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। आज अमेरिका के भी फार्मर्स का आप सुसाइड रेट देखिए तो कितना हाई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर भी फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और उसका कारण यही है कि जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसका अच्छा दाम नहीं मिल रहा, उसकी क्वालिटी के ऊपर शक किया जाता है, और सही बात भी है। आप अच्छी क्वालिटी का सीड जब तक यूज नहीं करेंगे तो अच्छी क्वालिटी की फसल आपको मिलेगी नहीं। तो यहां पर एग्रीकल्चरल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैव बीन रिवाइव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस टू दिस सेक्टर। तो कई बार ये जो एग्रीकल्चरल ये जो पॉलिसी होती है उसको रिवाइव किया जाता है, चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ताकि समय पर ये जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इनको क्या दिया जा सके, फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सके। क्योंकि अगर हमारे देश के किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो फिर धीरे धीरे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। कितना इंपोर्ट करोगे, बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। सोचो, आज की बात नहीं करते हैं, हजारों सालों से इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। और एग्रीकल्चरल कंट्री को ऐसा करना पड़े कि अनाज बाहर से, फॉरेन से मंगाना पड़े, तो इट्स अ शेम। तो हमको अपने फार्मर्स को सपोर्ट करना है, मजबूत करना है, और फार्मिंग इंडस्ट्रीज में न्यू टेक्नोलॉजी पुट करना है। विदाउट न्यू टेक्नोलॉजी फार्मर्स सर्वाइव नहीं कर सकते आज की तारीख में। ओके, सो रूरल क्रेडिट सिस्टम अज्यूम्स इंपॉर्टेंस बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन रूरल फैमिलीज सेविंग्स आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्रेडिट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पैसे ही इतने कम होते हैं कि कुछ सेविंग ही नहीं होता, और फार्मर्स के पास सेविंग ही नहीं होता तो पैसे लगाएंगे कहां से। आज बीज के लिए पैसे चाहिए, फर्टिलाइजर आपको पता होगा जिसको हम बोलते हैं खाद, उसके बाद होता है पेस्टिसाइड, मतलब जो कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, है ना। ये तीन चीजों के ऊपर ही आपका मोर देन 40-45% एक्सपेंडिचर हो जाता है, सबसे ज्यादा खर्चा ये तीन चीजों के ऊपर हो गया। पहला क्या, सीड, दूसरा क्या बताया आपको, फर्टिलाइजर खाद के ऊपर, और तीसरा क्या बताया, पेस्टिसाइड्स, और उसके बाद इरिगेशन की बात छोड़ दो, प्लॉइंग की बात छोड़ दो, और किसान की जो मेहनत जा रही है ना, इतना मेहनत करने के बाद आपको आपकी फसल का अच्छा दाम नहीं मिलता, आपने जितना सोचा था वो पैसे भी नहीं मिल पाते, क्या सेव करेंगे आप, आपका फार्मिंग करने का मन होगा, नहीं होगा। तो आज के किसान को सपोर्ट चाहिए, और ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उनको क्या देती है, सपोर्ट देती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, क्रेडिट का क्लासिफिकेशन देखो दो पार्ट में कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब पीरियड के बेसिस पे, दो साल, तीन साल, पांच साल, ऐसा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, आपका काम क्या है, तो देखो पीरियड के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से जो कम का क्रेडिट आप ले रहे हैं, सपोज आपने एक दो फसल के लिए आपने छह महीने के लिए लोन लिया है, आपने बैंक को बात किया कि मैंने सपोज
राइस है या वीट की मैंने फसल पुट की है, दो तीन महीने में चार महीने में अच्छा खासा हो जाएगा तो आपका लोन मैं पे कर दूंगा, ये क्या हो गया, ये शॉर्ट टर्म हो गया। मीडियम टर्म 2 से 5 साल और लॉन्ग टर्म 10-20 साल या 5 साल से 20 साल का पीरियड जो हो जाता है उसको हम लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और रह गई बात पर्पस की, पर्पस में एक तो प्रोडक्टिव पर्पस, दूसरा अनप्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस कैसा होता है, अगर मैं लोन लू जो मुझको किसी बिजनेस में लगाना है या फार्मिंग में लगाना है जिससे कुछ पैसे आने वाले हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया है ताकि मैं कोई जमीन को रेंट पे ले सकूं, तो ये प्रोडक्टिव पर्पस है। लेकिन मैंने लोन लिया रेसिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए लोन लिया, तो क्या वहां से मुझे कुछ मिलने वाला है, नहीं, इट इज अनप्रोडक्टिव, वहां से मेरा कुछ प्रोडक्शन नहीं होने वाला। गेटिंग इट? तो आपका पर्पस क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, उसमें टेन्योर। इट इज द क्रेडिट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ लोन्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के हैं यहां पर, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को रीड करते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इट रेफर्स टू लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। देखो यहां पर शॉर्ट टर्म को क्या बता दिया है, लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल को जो क्रॉस नहीं करता, 2 साल से कम का लोन आप उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म इन नेचर, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कल्टिवेटर। कल्टिवेटर मतलब ये जो फार्मर्स है जो फार्मिंग का काम कर रहे हैं, है ना, उनके जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल लोन रिक्वायर्ड फॉर द परचेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग सीड, इसको बोलते हैं HYV सीड्स, जिसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, हाई यील्डिंग सीड्स, फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज, जो रिलीजियस सोशल सेरेमनी वहां पर वो करते हैं, उनके जो कस्टम है ट्रेडिशन है ना, उसके हिसाब से, तो इनके लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर मीडियम टर्म आता है। मीडियम टर्म क्या है, पीरियड अप टू 5 ईयर्स, 2 साल से 5 साल के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब आपने 3 साल का लिया, 4 साल का लोन लिया, 5 साल का लोन लिया, तो उसको बोलेंगे मीडियम टर्म। दीज आर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक इंप्रूवमेंट ऑन लैंड, बाइंग कैटल और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, डिगिंग अप ऑफ कैनाल्स, है ना। आपने देखा होगा कि जमीन को इंप्रूव करना है, मतलब और ज्यादा फर्टिलाइजर डाल करके या उसकी क्वालिटी को और इंप्रूव करना है, ठीक है, या आपको कैटल मतलब जो पशु है ना, जो जानवर है वो परचेस करने हैं, या आपको न्यू इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर का कुछ सामान हो गया या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सामान हो गया वो आपको परचेस करना है, या आपको कैनाल्स डिगिंग डिग करना है, डिग मतलब आपको कैनाल्स खोदना है, कैनाल्स को हम बोलते हैं नहर, नहर की खुदाई आती है ताकि प्रॉपर पानी आए आपके खेत में, है ना। तो इन सब के लिए अगर आपको लोन चाहिए जिसका पीरियड है 5 साल का, तो उसे बोला जाएगा मीडियम टर्म क्रेडिट। एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। थर्ड वन क्या है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या बोला गया है, मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा, एंड आर जनरली रिक्वायर्ड टू बाय ट्रैक्टर्स। तो यहां पर हम पूरा का पूरा ट्रैक्टर परचेस कर सकते हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं हम, और टू बाय ट्रैक्टर, मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड, लैंड का परमानेंट इंप्रूवमेंट मतलब लैंड में जो उर्वरक क्षमता कम हो गई है तो कहीं और से अच्छा खाद, अच्छी मिट्टी ला करके उसको 1 साल तक परती रखना, है ना, तब तक हमारा एक्सपेंडिचर कैसे चलेगा। तो ये जो बड़े लोन होते हैं जिसके अंदर 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए हम लोन लेते हैं, इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाता है पर्पस, ठीक है। पर्पस, द एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस हमने देखा एक होता है प्रोडक्टिव और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिव ऐसा जहां पर आप पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया आप जमीन भाड़े पे ले रहे हैं, जहां पर आप खेती करेंगे, खेती करेंगे तो आपको बाद में फसल का पैसा मिलेगा, उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव। सो प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिकली जस्टिफाई। इकोनॉमिकली जस्टिफाई मतलब आप पैसा लगाएंगे तो आपको बाद में रिटर्न कुछ ना कुछ आएगा, जैसे परचेस ऑफ ट्रैक्टर, लैंड, सीड एटसेट्रा, ठीक है। अनप्रोडक्टिव क्या होता है, used for personal consumption, आप पर्सनल बेटी की शादी के लिए लोन ले लिया, घर बनाने के लिए लोन ले लिया, and unrelated to productive, इसमें कोई productive activity नहीं है। For example, loan for expenditure on marriages, religious ceremonies, etc. ये सब काम के लिए आप क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव
टाइप में इसे डिवाइड किया गया है। तो पहला पीरियड के बेसिस पे था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। दूसरा प्रोडक्टिव पर्पस और अनप्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, सो टू क्वेश्चंस वी हैव फिनिश्ड। एक तो हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा हमने देखा क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल या टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, सो समय समाप्ति की घोषणा यहां पर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में आगे के कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।